गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब के मॉन रिसर्च चैनल के दूसरे भाग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भाषा और व्याकरण का के बारे में फिर से पढ़ेंगे। कल जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है, और लिखित भाषा वह भाषा है, भाषा का वह रूप है जिसमें मनुष्य लिपिबद्ध तरीके से लिख करके अपने विचारों को प्रकट करता है। इसके अलावा भाषा के एक और रूप है सांकेतिक भाषा। इसके द्वारा मनुष्य न बोलता है न लिखता है, वह संकेत के आधार पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, जैसे गार्ड का झंडी दिखाना, ट्रैफिक लाइट का जलना इत्यादि। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सांकेतिक भाषा है। और लिखित भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा मनुष्य लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है, और इस भाषा के द्वारा हमारे ज्ञान और विचार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। भाषा मातृभाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, कई प्रकार की भाषाएं हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं मातृभाषा की। जिस भाषा में मनुष्य ज्यादातर कार्य करता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा। प्राय शिशु जिस भाषा में पहली बोली बोलता है और जिस भाषा में वो समाज और परिवार के आसपास के लोगों से जुड़ता है, वही उसकी मातृभाषा कहलाती है। विभिन्न क्षेत्रों प्रांतों के लोगों की मातृभाषा भिन्न भिन्न हो सकती है। इसलिए बंगाल के लोगों की मातृभाषा बंगाली, बिहार के लोगों की प्राय भाषा भोजपुरी, मैथिली, मगही इत्यादि को माना जाता था। कहने का तात्पर्य है कि लोग अपने घरों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो उसकी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया गया 14 सितंबर 1949 को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इस भाषा में प्राय सरकारी काम, ज्यादातर सरकारी काम किए जाते हैं, और राज्यों के भी कार्य इसी भाषा में किए जाते हैं। बहुत से राज्यों में हिंदी प्रथम राजभाषा है, और बहुत से राज्यों में द्वितीय राजभाषा, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रायः द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे हिंदी भाषी राज्यों में इसे प्रथम राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर है? राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया गया है, और राष्ट्रीय भाषा जिन भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है उन्हें राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, उन 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। प्राय बच्चों से गलती हो जाती है राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भाषा के चुनाव में। राष्ट्रभाषा बस एक है और वो है हिंदी, और राष्ट्रीय भाषा 22 भाषाएं हैं। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई है, ये आप लोग देख करके बता सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं किन किन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। पाठ्य पुस्तक में आप लोग देखेंगे, इसमें जो भारत का नक्शा बना हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को बनाना होगा, उन राज्यों को ढूंढना है, और ढूंढ करके और जो जो जिन जिन भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है उन स्थानों को चिन्हित करना है आप लोगों को। ये इसमें भारत के नक्शे में आप लोगों को चिन्हित करना है जिन जिन भाषाओं को सरकार द्वारा मान्यता मिली है।
धन्यवाद।